आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आधुनिक चिकित्सा में हृदय की पंपिंग क्षमता को ICD या कार्डियक से सुधारा जा सकता है और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए नागपुर के पत्रकार क्लब में माधवबाग कार्डियक क्लिनिक धंतोली में कार्यरत डॉक्टर सुमेरा साबिर, डॉक्टर इमरान साबिर और मुंबई से आए माधवबाग संशोधन पथक प्रमुख डॉक्टर राहुल मंडोले के द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। साथ ही डॉक्टर सुमेरा साबिर ने आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा कई हृदय के रोगियों को ठीक किए जाने की भी बात कही। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल मंडोले, मैं माधवबाग में रिसर्च डिपार्टमेंट हेड करता हूँ। क्रॉनिक हार्ट फेल्यूर मतलब हार्ट का पंपिंग कम हो जाना, ये दिन ब दिन बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारे सीनियर सिटीजन प्रॉब्लम में आते हैं। लैंसेट का कहना है अगर इंडिया में आपको क्रॉनिक हार्ट फेल्यूर डायग्नोज होता है तो एक साल में 23% लोगों की डेथ हो जाती है। अभी इसके बहुत सारे कारण हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है कि हार्ट फेल्यूर का ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली और सर्जिकल होता है। तो माधवबाग ने और आयुर्वेद ने, आयुर्वेद से हमने जो रिसर्च किया था वो रिसर्च 2016 में हमने जो पब्लिश किया था उसी रिसर्च को यहाँ पे कंटिन्यू किया डॉक्टर सुमेरा साबिर मैडम ने, और उन्होंने जो हार्ट फेल्यूर रिवर्सल थेरेपी नाम का जो ट्रीटमेंट का रिसर्च मुंबई में हुआ था उस ट्रीटमेंट को यहाँ पे नागपुर में विदर्भ में पेशेंट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पेशेंट में जो उनका हार्ट का पंपिंग कम हुआ था जो 35% तक आ गया था उसे 50% के ऊपर लेके गए हैं। जो नॉर्मल पंपिंग 50-60% चाहिए, तो ऐसे पंपिंग को नॉर्मल करने में डॉक्टर सुमेरा मैम ने बहुत बड़ा काम किया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आयुर्वेद जो बिना सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी किसी रुग्ण में जिनका पंपिंग कम है, क्रॉनिक हार्ट फेल्यूर है, उनमें पंपिंग बढ़ा सकता है। और ये सिर्फ हवा में बात नहीं है, तो उनके पास पब्लिश किया हुआ रिसर्च है जो एशियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल कार्डियोलॉजी रिसर्च में पब्लिश हो चुका है, जिससे पहले भी इंडियन हार्ट जर्नल में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पब्लिश हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू डॉक्टर सुमेरा मैम, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा नागपुर वासियों को कि आपको अगर पंपिंग का प्रॉब्लम है तो बिना झिझक आप नागपुर में धंतोली में डॉक्टर सुमेरा मैडम के क्लिनिक में जाइए और आपके हार्ट का जो पंपिंग का प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली करेक्ट करा लीजिए। थैंक यू। क्लिनिक का इंटेंशन हमारा ये था कि आप लोगों के द्वारा उन पेशेंट तक ये मैसेज जाए जिनको जो डॉक्टर कहते हैं कि अभी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, आप ज़्यादा दिन तक नहीं ये कर सकते, सर्वाइव कर सकते, और आप घर में जाके रेस्ट करो, तो ऐसे पेशेंट तक आपके द्वारा मैं पहुंचूं और उनको बताऊं कि हार्ट के जो हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट अगर हम अच्छे तरीके से लेते हैं, हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाते हैं, हमारे डाइट, हमारे जो एक्सरसाइज है इनको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं। और जो पेशेंट मायूस होकर बैठे हुए हैं कि अब इसके बाद हमारी लाइफ कुछ नहीं है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि कोई है जो इन ये सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। तो आपके द्वारा मैं उन लोगों तक यही मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा बेस्ड ट्रीटमेंट से भी हम आपके हार्ट की कार्य क्षमता को इम्प्रूव कर सकते हैं। या डेफिनेटली बिल्कुल अफोर्डेबल है। एक नॉर्मल जो जिनके इवन हम बहुत सारी ऑर्गेनाइज भी करते हैं जो लोग पेशेंट फाइनेंशियली पुअर हैं ऐसे लोगों के लिए भी, तो जहां ऐसी चीज़ें रहेगी तो डेफिनेटली मैं उन तक ही ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूं। और यहाँ इनके पास आने के बाद में मैंने मतलब पंचीकरण करवाया और इनकी आयुर्वेद की जो तो दवाइयाँ मतलब जो मेरे को रिफर देते थे वो मैंने दिया, और मेरे से चला नहीं जाता था, फिर वो पैरों के बाद तो वजन नहीं दे पाता था, तो ऐसे मतलब करके तो मेरी मतलब प्रॉब्लम बहुत थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया तो मतलब एकदम ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वेट मेरा 70 मतलब